हाजिर हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड और जानते हैं क्या खास है आज के हमारे इस एपिसोड में। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि व्हाट्सएप एक मोस्ट पॉपुलर सोशल मैसेजिंग ऐप है और व्हाट्सएप में एक नई अपडेट भी आई है। अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप में कुछ चेंजेस आई हैं, आज हम उस चेंजेस के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप के अपडेट के बारे में ही आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जैसे ही मैं सर्च में जाके व्हाट्सएप ऐप टाइप करता हूँ तो अपडेट का साइन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप को अपडेट ही कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में जो अपडेटिंग है वो होनी शुरू हो चुकी है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ और नीचे व्हाट्स न्यू में लिखा आ रहा है, चैट कैन नो बी म्यूटेड फॉर एवर इंसर्टेड फॉर ओनली वन ईयर। मतलब कि अब आप अपनी चैट्स को परमानेंटली म्यूट कर सकते हैं। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा एक साल तक कर सकते थे। क्या ये सच में होगा? इसके अलावा और कौन सी नई नई अपडेट्स आई हैं, अब हम जल्दी से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप है वो क्या है, अपडेट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, प्ले स्टोर को क्लोज कर लेता हूँ। प्ले स्टोर क्लोज करने के बाद सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया तो क्या हुआ, इंटरफेस बिल्कुल पहले के जैसा ही है, बिल्कुल पहले के जैसा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी चैट को म्यूट करने की, सबसे पहले हम म्यूट फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं किसी भी चैट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर एक मेन्यू हाईलाइट होता है। मेन्यू में मैंने ऑलरेडी जो चैट है वो म्यूट की हुई है, लेकिन जब भी मैं म्यूट पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ऑप्शंस आ रही हैं कि म्यूट नोटिफिकेशंस फॉर 8 hours, 1 week या फिर ऑलवेज। सबसे पहले दोस्तों, जब ये अपडेट नहीं थी तो ऑप्शंस कौन थी सी आती थी, 8 hours तक आप म्यूट कर सकते हैं, 1 week तक और 1 साल तक। अब आप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली ही चैट्स को म्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था एक अपडेट। इसके अलावा भी दोस्तों एक अपडेट आई है, वो क्या है कि अगर आप जितनी भी चैट्स हैं उन चैट्स में भेजे गए मल्टीमीडिया कंटेंट को देखना चाहते हैं, मतलब कि आपने क्या क्या सेंड किया है कितने लोगों को, मान लीजिए पिक्चर्स जितनी भी होंगी, वीडियोस जितनी भी होंगी, जितने भी लिंक्स होंगे, उनको भी अब आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ही मैं व्हाट्सएप के ऊपर, देखिए सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे ही मैं सर्च बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों क्या हुआ, एक मेन्यू हाईलाइट हुआ। मेन्यू में फोटोज, वीडियोस, लिंक्स, गिफ्ट्स, ऑडियो एंड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं वीडियो पे क्लिक करता हूं तो जितनी भी वीडियो आपने सेंड की होंगी, जितने भी ग्रुप्स में या इंडिविजुअल पर्संस को, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके सर्च हो जाएंगे। मतलब कि किसी भी भेजे गए डॉक्यूमेंट को, चाहे वो ग्रुप में भेजा हो चाहे वो इंडिविजुअल भेजा हो, उसको बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ऑडियो को चेक करना है, पिक्चर्स को चेक करना है, देखिए फोटोज को भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ 2 अपडेट्स थी जो कि व्हाट्सएप में हाल ही में अपडेट के बाद शो होनी शुरू हुई हैं। तो हमने सोचा दोस्तों कि आपको इसके बारे में बताना जरूरी है। तो यही था दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का मकसद,
कि व्हाट्सएप में अपडेट आने के बाद क्या क्या चेंजेस आई हैं वो आपको बताना। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अपडेट आने के बाद कोई और भी नई फीचर्स को ऐड किया गया है व्हाट्सएप में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल जीडी टेकी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विदा लेते हैं आपसे इसी वादे के साथ कि जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।